ISPR और हम टीवी की प्रोडक्शन अहद वफा आजकल सबकी ही पसंद बना हुआ है। अहद वफा की कहानी, प्रोडक्शन वैल्यू और उम्दा कास्ट ने इस ड्रामा को और भी एंटरटेनिंग और वर्थ वॉचिंग बना दिया है। ड्रामा की अब तक सिर्फ 6 एक साथ ही ऑन एयर हुई हैं, लेकिन मरकजी कास्ट सबके दिल जीत चुकी है, जिसमें अहद रजा मीर, उस्मान खालिद भट्ट, वहाज अली और अहमद अली अकबर शामिल हैं। अब जैसे जैसे ड्रामा की कहानी आगे बढ़ रही है, तमाम एक्टर्स के कैरेक्टर्स और भी ज़्यादा इंटेंस होते जा रहे हैं। वेल, अब अहद वफा में आगे क्या होने वाला है ये तो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन अहद रजा मीर के इस ड्रामा में कास्ट किए जाने से मुतालिक एक दिलचस्प इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर कर रहे हैं। अहद रजा मीर जो अहद वफा में साद का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, EP के ज़राए के मुताबिक ड्रामा की टीम ने साद के किरदार के लिए जब अहद रजा मीर से राबता किया तो उन्होंने ये किरदार अदा करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह उनका कनाडा में थिएटर प्ले हैमलेट था, क्योंकि वो इस प्ले के लिए ऑलरेडी कमिट कर चुके थे। अहद रजा मीर ने हैमलेट में मरकजी किरदार अदा किया था, जिस पर उन्हें बाद में अवार्ड भी दिया गया। अहद के बाद ड्रामा की टीम ने मुतबादल एक्टर की तलाश शुरू कर दी, लेकिन दीगर मामलात के बायस अहद वफा की शूटिंग भी ताखिर का शिकार हो गई। शूटिंग में ताखिर के बाद जब दोबारा अहद रजा मीर से राबता किया गया तो उन्होंने ये किरदार अदा करने के लिए हामी भर ली। इसे कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, और हमारा मानना है कि साद का रोल सिर्फ अहद के लिए ही बना था, और हमें खुशी है कि वो अब इस ड्रामे का हिस्सा है। आपका इस स्टोरी के बारे में क्या कहना है हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताएँ।